नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं कुशाग्र लाइव न्यूज चैनल। आइए ले चलते हैं आपको मुख्य खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में हो रहे किसानों की बदहाली एवं यूरिया संकट के कारण प्रदेश भर में भाजपाइयों द्वारा धरना आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा के अंतिम छोर पर विकास खंड किल्लोद के ब्लॉक मुख्यालय ग्राम किल्लोद में भी भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश की किसान विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। ब्लॉक मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक विरोध प्रदर्शन कर कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना स्थल पर किल्लोद पुलिस भी चाक चौबंद रही। किल्लोद से अरबाज खान की रिपोर्ट। के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा था। चंदू भाई, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी इस प्रकार के कोई कृत्य होते रहे। यदि कांग्रेस ने जिस प्रकार आज किया तो आप बिल्कुल तैयार हैं। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधानसभा और हमारा जिला 10 से 15 साल के लिए इस कांग्रेस सरकार में पिछड़ गया है और यहाँ के जिम्मेदार नागरिक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन्होंने हमारे पूरे मानदाता को 10 साल पीछे कर दिया। साथियों, आग्रह है कि इस सरकार के खिलाफ हम सबको एकजुटता से मिलकर लड़ना है। और यूरिया की तो आप देख सकते हो किस प्रकार से मारामारी हो रही है। हमारे यहाँ और भी दूसरे विषय पे यदि आए तो किसान सम्मान निधि की बात हो तो उसमें प्रदेश सरकार ने हमारे किल्लोद ब्लॉक का सर्वे उठा के देखो तो जो किसानों ने जिनने ऑनलाइन आवेदन सही भरा है उनको एक को भी पैसा नहीं आया, मात्र 5-6% को छोड़ के बाकी 95% खाते उन्होंने ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं। और दूसरी बात हम यदि करें तो जिस प्रकार से हमारे पेंशन की सुविधा का इन्होंने बोला था कि हम 1,000 रुपए की पेंशन देंगे, साथियों आज 1,000 की पेंशन आज सरकार को एक साल होने पे आ गया है, 1,000 की पेंशन सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इन्होंने वचन पत्र क्या क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से जनपद के माध्यम से मैंने यहाँ पे मुस्लिम पक्षों के निकाय कराए और हिंदू मुस्लिमों के निकाय हिंदू लोगों के विवाह कराए, एक के भी 51,000 रुपए की राशि आज दिनांक तक नहीं आई है। बड़े बड़े सपने दिखा के इन्होंने प्रदेश को लूटा है और लूटने की सरकार पंच से लेके कांग्रेस का प्रदेश तक का। देखते रहिए कुशाग्र लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।